वहीं मेरठ में पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले आगजनी की और फिर लोगों को भड़काकर बवाल करा दिया। आरोपियों ने वीडियो और फोटो में 200 लोगों को पहचाना है। कुल 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो इस घटना में आपराधिक कृत्य करने में शामिल पाए गए थे, जिसमें एक पहले दिन गिरफ्तार हुआ था, 2 की गिरफ्तारी कल की गई है। इसमें बिल्कुल जो सही हैं, जिनकी घटना में संलिप्तता है, आपराधिक कृत्य करने में संलिप्तता है, उनकी बिल्कुल 100% पहचान करा के इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी ऐसी घटना में शामिल रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई किसी भी कीमत पर न होने पाए। लेकिन जो दोषी है उनको भी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उनको विधिक दायरे में विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है उसको प्रभावी तरीके से अमल में लाई जाएगी। इन पर इनाम 25,000 रुपये है।